हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्टली इंजीनियर्स की ड्रीम कंपनी के बारे में, जिसका नाम है गूगल। अब यार, गूगल में ना इंटरव्यू पाने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। मैं सारे मेथड्स के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। काफ़ी रिसर्च करी यार मैंने, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से जाकर तुम और थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है, और थोड़ी चीज़ें सीख सकते हो या फिर कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकते हो। क्योंकि गूगल के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, गीक्स फॉर गीक्स पे तुम्हें नहीं मिलेंगे, बहुत कम इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे उसके। तो कुछ और वर्क अराउंड वगैरह भी हैं, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में बताया है। CTC के बारे में, कैसे पढ़ना है, कौन से राउंड्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है आज वाली वीडियो में। तो वीडियो को यार एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ यू डोंट नो मी, आई एम निशान चाहर, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। और वीडियो को यार जल्दी से लाइक कर दो यार, लाइक करते हो मजा आता है। उसके अलावा यार जल्दी से जाके कमेंट कर दो गूगल ओपी, ठीक है। अगर तुम्हारी ड्रीम कंपनी गूगल है तो वो भी तुम बता सकते हो, और कोई है तो वो बता दो, ठीक है। इसके अलावा यार, इस सीरीज में हम 3 वीडियोस पहले बना चुके हैं, अमेजोन, डीशो और गोल्डमैन सैक्स के बारे में। अब गूगल भी बहुत ज़्यादा ऑफ कैंपस हायर करता है एंड काफ़ी अलग अलग मेथड से करता है, तो इसलिए इसके बारे में वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, भैया ने पूरी मस्त PPT बना दी है। अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड यू टारगेट गूगल? बिकॉज यार, एक तो ड्रीम कंपनी होती है मतलब मोस्टली लोगों की, एक तो ये है। इसके अलावा यार ऑफ कैंपस काफ़ी ज़्यादा हायर करते हो, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। काफ़ी अलग अलग तरीके हैं जिससे तुम गूगल का इंटरव्यू पा सकते हो, उसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा रीज़न है। प्लस यार, काफ़ी ब्राइट माइंड्स को ही लेती है यार गूगल, ठीक है। मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं गूगल में काफ़ी, तो मज़ा आएगा तुम्हें लोगों के साथ काम करने में, इसलिए तुम गूगल को टारगेट कर सकते हो। यार ड्रीम कंपनी मतलब होती है काफ़ी लोगों की, तो वर्क्स वगैरह तो भाई बहुत सारे हैं, वो इस वीडियो में नहीं बता रहे, वो कभी और, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यार तुम्हारा, हाउ टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। अब इंटरव्यू कॉल पाने के लिए यार काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं। एक तुम्हारा किक स्टार्ट होता है, ऑल अराउंड द ईयर होता रहता है किक स्टार के, काफ़ी अलग अलग राउंड्स होते हैं। इफ़ यू गेट अ रैंक ऑफ अंडर 500 इन किक स्टार, मतलब 500 से कमाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि द रिक्रूटर फ्रॉम गूगल विल अप्रोच यू फॉर एन इंटरव्यू। एंड जब तुम किक स्टार्ट से जाते हो ना यार, तुम्हारे 2 राउंड स्किप हो जाते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा टेस्ट नहीं होता है, उसके अलावा तुम्हारा जो फोन स्क्रीनिंग राउंड होता है वो भी स्किप हो जाता है। मैं आगे जब तुम जाके देखोगे तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं यार गूगल के, तो ये तुम्हारे सारे राउंड स्किप होने वाले हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। उसके अलावा यार, अगर तुम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते रहोगे किक स्टार्ट में, तो पक्का तुम्हें कॉल आ जाएगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कोड जाम होता है, कोड जाम इज ऑल्सो अ कोडिंग कॉन्टेस्ट फॉर लाइक गूगल। उसके अलावा एक और होता है तुम्हारा यार फूबार चैलेंज ना, लास्ट ईयर 2020 में काफ़ी ज़्यादा एकदम से आया था, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को एक इनवाइट टाइप का आया था गूगल से, वो उनको कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने थे। इफ़ यू आर एबल टू लाइक सॉल्व दोज क्वेश्चंस, तो तुम्हें रिक्रूटर अप्रोच कर रहे थे, तो ये लास्ट ईयर आया था, इस साल तो शायद आई डोंट थिंक सो आया है अब तक ऐसा कुछ। उसके बाद यार होता है हैश कोड में यार तुम्हें क्या करना होता है, 3-4 लोगों की टीम बनानी होती है, और टीम बनाने के बाद तुम्हें एक कोडिंग कॉन्टेस्ट ही देना पड़ता है। अगर तुम कोडिंग कॉन्टेस्ट को क्लियर कर पाते हो, तो उसके बाद एक तो तुम प्राइज तो जीतते ही हो, उसके अलावा तुम्हें इंटरव्यू कॉल्स वगैरह भी आ सकते हैं। उसके अलावा यार नेक्स्ट जो है वो है गूगल स्टेप, दिस इज ओनली फॉर सेकेंड ईयर गर्ल्स। इंडिया में गर्ल्स के लिए होता है, बट बाहर वाली कंट्रीज में सबके लिए होता है, तुम बाहर अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा सेकेंड ईयर में रेज्यूम में काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि तुम्हें बाहर इंटर्नशिप मिल जाए सेकेंड ईयर में। उसके बाद यार ठीक है, ये सारी बात तो ठीक है। इसके अलावा यार काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ तुमने नाम सुने होंगे, जैसे रेजर पे सुना होगा, MPL सुना होगा, मोबाइल प्रीमियर लीग, ठीक है। उसके अलावा यार तुमने एमएक्स प्लेयर सुना होगा, तुमने 1MG सुना होगा, ऐसे बहुत सारे और स्टार्टअप्स भी हैं जो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब यार इन स्टार्टअप्स में नॉर्मली जनरली कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का पता होता है, बट कुछ ऐसे रोल्स भी हैं जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस है, इसके अलावा तुम्हारे डिज़ाइन वाले काफ़ी सारे रोल्स हैं, इनके बारे में यार इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता एंड रिसोर्सेज का भी आइडिया नहीं होता हमें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसेंटली मेरे पास एक कंपनी ने मेरे को रीच आउट किया था, इसका नाम है अप्रेज, एंड दे हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड एम्बार्क। अब सबसे पहले तुम स्किप करो, उससे पहले यार ये सब फ्री है, ठीक है। एम्बार्क जो प्रोग्राम है इनका फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड यू गाइस कैन गेट इंटर्नशिप, उसमें जो तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा दैट कैन बी मिनिमम 15,000 से लेके मैक्सिमम 70,000 तक। और यार ये सारे जो रोल्स होंगे ना, नॉन कोर रोल्स होंगे, तो ये क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में 300 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, उनको ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, एंड वहां पे तुम इंटर्नशिप कर सकते हो 2 मंथ्स या 6 मंथ्स की, डिपेंडिंग तुम्हारा कॉलेज क्या अलाउ करता है। प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस। अब इंपॉर्टेंट बात ये, लिंक जो तुम्हें मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा भी काफी रोल्स को ट्राई करना है, तो काफी बढ़िया चीज है यार।
मेरे को अपॉर्चुनिटी अगर मेरे थर्ड ईयर में मिल रही होती तो मैं डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करता। और ऊपर से फ्री है, मतलब नो हिडन चार्जेस, नो रजिस्ट्रेशन फीस, कुछ भी नहीं है भाई, लेजिट कुछ भी नहीं है। तो डू चेक इट आउट, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। इंटर्नशिप का मतलब ही होता है कि यार तुम्हें पीपीओ मिलना चाहिए, मतलब अगर तुम इंटर्नशिप करो तो पीपीओ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है कि सेकंड ईयर में ही तुम्हें बताओ पीपीओ मिल गया तो तुम थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप गूगल में करी, थर्ड ईयर में फिर पीपीओ मिल गया, फिर ऑफर ही भाई गूगल से, बिल्कुल मौज ही मौज, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर तुम्हारा ऑफ कैंपस ड्राइव। अब जनरली मतलब इसके इंटरव्यूज चलते तो पूरे साल रहते हैं, काफ़ी लोगों को रिक्रूटर्स डायरेक्टली अप्रोच कर लेते हैं अगर उनके कोड फोर्सेस कोड शेफ की प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, उसके अलावा लाइक स्टार्ट में अच्छी रैंक आ रखी हो या फिर कुछ, तो ये तो हो गए। उसके अलावा यार एक अगस्त में ही होता है, अगस्त के अराउंड एक हायरिंग चैलेंज भी होता है ऑफ कैंपस वाला, लास्ट ईयर अगस्त में हुआ था, अब शायद डेट वेट चेंज करते बट लास्ट ईयर इस टाइम हुआ था। अब तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लाइक आस्क्ड क्वेश्चन होता है गूगल में, सीटीसी कितना होता है, तो यार 16 के आसपास बेस होता है, 16-17 के बीच, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें 9 to 10 lakh वर्थ ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है। अभी ये डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है तो वो थोड़ा आगे पीछे मान लो, ठीक है, बट हाँ इतने तुम्हें स्टॉक्स मिल रहे होते हैं हर साल। उसके अलावा यार 1.5 lakh ज्वाइनिंग बोनस होता है तुम्हारा, 2.5 परफॉर्मेंस होता है, दैट इज योर 10% ऑफ बेस टू 20% ऑफ बेस, इतना मान लो। उसके बाद 1 lakh के अराउंड तुम्हारे अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। इसके बियर सीटीसी वगैरह के लिए ना अलग से एक मस्त वीडियो बना रखी है, सब कंपनीज का तुम्हें जानना हो तुम जाके देख सकते हो, स्क्रीन पे वो भी आ रही होगी। उसके अलावा यार इंटर्नशिप स्टाइपेंड 1 lakh रुपए पर मंथ होता है, स्टेप का थोड़ा सा कम होता है जितना मुझे पता, बट उसका भी काफ़ी बढ़िया होता है। अब टेस्ट तो मतलब अगर तुम जो पहले 4-5 मेथड्स बताए थे वो नहीं कर पाए और तुम्हें ऑफ कैंपस टेस्ट ही देना है, तो टेस्ट में यार 2 questions होते हैं, मुश्किल होते हैं दोनों questions काफ़ी, एंड अगर तुम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो चांसेस होते हैं कि तुम्हें आ जाएगा इंटरव्यू कॉल, मतलब रिक्रूटर विल अप्रोच यू, तो मुश्किल होते हैं, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो हो सकता है कि हो जाए, बट दोनों DSLGO ही होते हैं, बट कॉम्पिटिटिव लेवल, अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे मैंने बताया रिक्रूटर तुम्हें कैसे अप्रोच कर सकता है, कुछ मेथड्स हैं यार, ठीक है। अंडर 500 रैंक तुम ला रहे हो किकस्टार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, हैश कोड कोड जाम और फूबार चैलेंज के थ्रू भी तुम्हें अप्रोच कर सकते हैं, और अगर तुम्हारी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कोड फोर्सेस कोड शेफ पे तो भी, मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को अप्रोच किया था गूगल रिक्रूटर ने जिनकी कोड फोर्सेस कोड शेफ प्रोफाइल बहुत तगड़ी है। यार यहाँ पर ना डेवलपमेंट वालों को इतना ज़्यादा गूगल नहीं अप्रोच करता है कि तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इंडिया में तो नहीं करते बट शायद फॉरेन वाले कर लेते हों, तो मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वालों को करते हैं। बाकी यार एक और तरीका है, जैसे तुम्हें किसी रिक्रूटर की ईमेल आईडी मिल जाती है तुम रिक्रूटर को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, तुम लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, अगर तुम्हें पता है कि यार गूगल इस टाइम हायर कर रहा है तो रिक्रूटर से बोलो, रिक्रूटर तुम्हें फिर एक फ़ोन स्क्रीनिंग वगैरह तुम्हारा रखेगा, उसके बाद ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। बट ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, हर बार नहीं हो सकता कि तुम मतलब इग्नोर कर दे। अब स्टेप का इंटरव्यू यार, पहले तो रेज्यूमे स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद 2 to 3 rounds होते हैं तुम्हारे, ठीक है। 2 to 3 rounds इसलिए क्योंकि 2 rounds तो पक्का होते ही, अगर वो डाइसी वगैरह होते हैं तो 3rd round भी शेड्यूल करवा देते हैं, बट मोस्टली 2 rounds होते हैं सब लोगों के। DSLGO के मीडियम लेवल क्वेश्चन होते हैं यार, ठीक है, बट अब तुम सेकंड ईयर में दे रहे होते हो तो तुम्हें वो मीडियम भी हार्ड लगते हैं क्योंकि तुमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है, बट होते मीडियम लेवल हैं, इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इंटर्नशिप इंटरव्यू में भी सेम सीन है यार, 2 to 3 तुम्हारे कोडिंग राउंड होते हैं, मतलब 2 to 3 कोडिंग के इंटरव्यू तुम्हारे होते हैं। इसमें OSGBO में सूप्स वगैरह कुछ नहीं पूछते, प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर तुमने अपने रेज्यूमे में CP लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डाल रखा है, तो तुमसे पक्का कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, खतरनाक वाले अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे। अगर तुमने कॉम्पिटिटिव नहीं लिख रखा है, तुमने अपने कैंडिडेट मास्टर मतलब कुछ भी कोड फोर्सेस कोड शेफ की रेटिंग नहीं लिखी है, तो यू विल बी आस्क्ड DSLGO के क्वेश्चंस, ठीक है, मीडियम टू हार्ड, मतलब बिल्कुल ईजी तो नहीं पूछते बट मीडियम लेवल के पूछते हैं। अगर तुमने लिख दिया कि तुम बहुत अच्छे हो कॉम्पिटिटिव में, तो बेटा अच्छे क्वेश्चन पूछने वाले हैं तुमसे। अब फाइनली यार फुल टाइम इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं। फुल टाइम इंटरव्यू में यार सबसे पहले रिक्रूटर स्क्रीनिंग होती है, अगर तुम्हारे टेस्ट हो रहा है तो शायद ये रिक्रूटर स्क्रीनिंग स्किप हो जाए, बट मोस्टली अगर तुम्हें डायरेक्टली रिक्रूटर अप्रोच करा है, तुमने रिक्रूटर को अप्रोच किया तो रिक्रूटर स्क्रीनिंग होती है, तुम्हें कॉल करते हैं, कॉल पर तुमसे छोटे छोटे 10-15 क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछते हैं कि तुम जल्दी सोच पाते हो कि नहीं हो, तो ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड होता है। उसके बाद एक फ़ोन स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। फ़ोन स्क्रीनिंग में भी रिक्रूटर स्क्रीनिंग टाइप ही होता है, बट वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन ठीक ठाक DSLGO के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उसके अगर तुम आंसर्स वगैरह दे देते हो तो उसके बाद तुम्हारे और सारे मतलब नॉर्मल वाले जो इंटरव्यू DSLGO वाले इंटरव्यूज होते हैं वो शेड्यूल होते हैं।
अगर तुम किक स्टार्ट के थ्रू आ रहे हो तो यार ये दोनों राउंड्स तुम्हारे स्किप हो जाते हैं डायरेक्टली, तुम्हारा डीएस एल्गो वाले राउंड्स मतलब शेड्यूल होते हैं। अब यहाँ पे चार डीएस एल्गो के राउंड्स होते हैं यार, ठीक है, चार डीएस एल्गो के राउंड्स, पहले दो राउंड्स एक दिन में होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट तीन जो तुम्हारे राउंड्स होते हैं वो एक अलग दिन शेड्यूल होते हैं। अगर तुम पहले दो क्लियर कर लेते हो उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए मतलब कभी और शेड्यूल करवाएंगे तुम्हारे नेक्स्ट तीन राउंड, और तीन में लास्ट जो राउंड होता है वो तुम्हारा गूगलीनेस राउंड होता है, उसमें मतलब हायरिंग मैनेजर राउंड भी तुम कह सकते हो। अगर गूगल लुक्स फॉर सर्टेन क्वालिटीज, वो अपने कैंडिडेट्स में क्वालिटीज ढूंढ रहा होता है, तो गूगलीनेस राउंड में वही चेक करता है गूगल जो हायरिंग मैनेजर राउंड होता है सॉर्ट ऑफ, उसमें यही सारी चीज़ें टीम वर्क लीडरशिप ये जो तुम्हारी कुछ क्वालिटीज होती हैं एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, वो तुम गूगल की साइट पर जाके देख सकते हो, ठीक है, आ रही होंगी, वो सब पूछ रहा होता है तुम्हारे मैनेजर वगैरह। और उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें बच जाती हैं, मतलब यहाँ तक तुमने क्लियर कर लिया डजंट मीन तुम्हें टीम मिल जाएगी, मतलब इंडिया में मिल जाती है बट बाहर अगर तुम किसी गूगल के और किसी ऑफिस में कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा गेम अटक सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है यार हायरिंग कमेटी के पास जाती है, ठीक है, तुम्हारे जितने भी तुमने राउंड्स वगैरह दिए हैं फिर वो डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करने के बाद तुम्हारी यार टीम मैचिंग होती है कि तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो कौन सी टीम के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, अगर तुम टीम मैचिंग में तुम्हें कोई टीम मिली हो तुम्हें पसंद आई तो तुम्हें ऑफर एक्सटेंड कर देंगे, अगर तुम्हें वो टीम पसंद नहीं आई तो फिर किसी और टीम में जब तक कोई ओपनिंग नहीं आती है तुम्हारी मतलब वो अटक जाएगी एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ। तो मेरे दोस्तों के साथ हो रखा है, ठीक है, हायरिंग कमेटी तक गए हैं, उसके बाद फिर उनकी लाइक अटक गई है, ये प्रोसेस अटक गया बीच में, फिर दो तीन महीने तक रिप्लाई नहीं आया, फिर कई बार होता है कि तुम्हें टीम नहीं मिली तो रिजेक्शन भेज देते हैं, तो मतलब ये यहाँ पे जाके भी कट सकता है, ठीक है, जब तक तुम्हें फाइनल ऑफर लेटर नहीं मिलता ना जब तक कुछ भरोसा नहीं है। तो अब यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रीड आज मैंने आर्काइव्स आज यू कैन गूगल के ज़्यादा आर्काइव्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, नीचे कुछ लिंक्स हैं वो तुम जाके देख सकते हो, उसमें से तुम मतलब थोड़ा सीख सकते हो। एक लीड कोड पे यार गूगल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें वो मतलब तुम्हें टैग्स वैग्स लगाने के लिए प्रीमियम चाहिए होता है बट उसका एक वर्क अराउंड है, मैंने लीड कोड पे वीडियो बनाई थी वो स्क्रीन पे आ रही होगी तुम वो जाके देख सकते हो, उसमें तुम कंपनी वाइज कैसे लाइक क्वेश्चंस कर सकते हो उसका एक ट्रिक है विदाउट लाइक गेटिंग अ लीड कोड प्रीमियम, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। उसके अलावा यार प्रिपेयर वेल फॉर द कोडिंग टेस्ट बिकॉज कोडिंग टेस्ट मुश्किल होता है, अगर तुम कोडिंग टेस्ट के थ्रू नहीं जा रहे हो किक स्टार्ट वगैरह के थ्रू जा रहे हो तो भी मुश्किल ही होते हैं वो, इजी नहीं होते, तो अगर तुम्हारी मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग अच्छी है तो डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे तुम लोग, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद यार तुम अपने रेज्यूमे से अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट से थरो होना चाहिए तुम्हें, मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुमने क्या बनाया क्यों बनाया, तुमसे कई बार ना कि कोई फंक्शन बोल देंगे यार तुमने ये वाला फीचर कैसे इंप्लीमेंट किया था इसका सूडो कोड लिख दो, मतलब ये पूछ लेते हैं जनरली मतलब गूगल में पूछ लेते हैं, मैंने अभी कुछ जूनियर से भी बात करी थी वो भी यही बता रहे थे कि यार हमसे पूछ लिया था मेरे दोस्त से पूछ लिया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यार जो तुमने फ्रेमवर्क्स वगैरह लिखे लैंग्वेजेस वगैरह लिखे कुछ भी फेक मत करना, ठीक है, जो जो तुम्हें आता है वही करना, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, 5-6 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, एक या दो को बेवकूफ़ बना पाओगे कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी बाद में, तो फेक मत करना कुछ भी। और उसके बाद यार जो गूगल के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज में मोस्टली नए होते हैं, मतलब तुमने कम ही देखे हुए होंगे, तो उसके लिए यार तुम्हें क्या करना है अपने इंटरव्यू के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है, थिंक आउट लाउड मल्टीपल अप्रोचेस बताओ एंड फिर अच्छे से उसको तुम्हें सूडो कोड नहीं करना होता, तुम्हें प्रॉपर कोड लिखना होता है, वर्किंग कोड लिखवाते हैं तुमसे गूगल में, तो इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है, सूडो कोड से काम नहीं चलेगा, पूरा प्रॉपर कोड चलने वाला कोड लिखना पड़ता है। तो बस यार इतना ही था, ठीक है, ऑल द बेस्ट, फोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेना, बाकी यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कौन सी कंपनी का तुम्हें मतलब ऐसे वाला जानना है वो मेरे को बता दो, एक दो मेरी लिस्ट में पहले से हैं, स्प्रिंकलर और एक ऊबर, इन दोनों का मैंने सोचा हुआ है, ढूंढ ढांड के बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अलावा कोई और कंपनी का तुम्हें जानना हो तो तुम बता सकते हो नीचे कमेंट्स में, तुम लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अब तक नहीं किया तो 50K जल्दी कंप्लीट करेंगे, और गिव अवे की भी मैंने बातचीत कर ली है, 50K करवाते गिव अवे मिल जाएगा। इतना आज वाली वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।